हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सप्तमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर इसी तरीके से बना रहे। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नेहा और सचिन को लेके ना बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव कम। कुछ लोग नेहा को गलत बोल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे सचिन को गलत बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात से शुरुआत करना चाहूँगी कि अगर कहीं से कहीं तक भी नेहा गलत नहीं है तो कहीं से कहीं तक भी सचिन भी गलत नहीं है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सचिन वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल व्लॉगर में से एक हैं जिनकी आए दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सर से लेकर पांव तक सिर्फ और सिर्फ गलत हैं और आप कहीं पे सही नहीं हो सकते। यहाँ पे किसी और कॉन्ट्रोवर्सी से कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ पे एक बहन का फंक्शन है और दूसरे भाई को उस फंक्शन का न्योता नहीं है, इतनी सी बात है। ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर नहीं है। ना तो हम इस बात में अगर नेहा को गलत बोल सकते हैं तो वहीं पे हम इस बात में सचिन को गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सचिन की कुछ एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, कुछ फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। वहीं पे नेहा के अपने फंक्शन में ना बुलाने के रीजंस एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, जिन रीजंस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि अपने हिसाब से उन्होंने वही किया होगा जो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा या एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सही होगा। लेकिन यहाँ पे सचिन के साथ जो गलत हुआ, अगर सचिन की जगह कोई भी इंसान होगा और वो सामने वाले को इतना महत्व देता हो कि उसको अपने सर पे बिठाए और उसको बहन माने, मान सम्मान सब कुछ दे, और जब उस बहन की ज़िंदगी का इतना खूबसूरत और इतना बड़ा पल हो तो उस भाई को इस चीज़ का बुरा लगना एक नेचुरल रिएक्शन है, नेचुरल। अब हो सकता है कि वो आने वाली वीडियो में अपना ये दुख ना दिखाएं, अपनी ये बात ना बोलें, इस टॉपिक को ख़त्म भी कर दें, कुछ भी ना बोलें, लेकिन वो भी उनकी रिस्पेक्ट ही होगी, वो भी उनका प्यार ही होगा टुवर्ड्स नेहा कि वो इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, इस बात के लिए कुछ भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें शब्दों में बोलने से ज़्यादा ना देख के समझ में आ जाती है, और समझदार लोगों को वो चीज़ें समझ में आ गई। जो चीज़ें सचिन मुँह से नहीं बोल पा रहे हैं ना, वो चीज़ें उन्होंने अपने एक्शंस में समझा दी, वो एक्शंस में देख के हम समझ गए कि बहन ने न्योता दिया या नहीं दिया, लेकिन भाई उस जगह पे पहुंचा और उस जगह के इतने करीब पहुंचा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने करीब पहुंचा। इतने करीब पहुंचने के बाद भी उस भाई को उस फंक्शन का न्योता नहीं मिला। वो भाई जो कि बीमार था, हमें ये बात पता ही नहीं थी कि वो बीमार है। कल आंटी जी का व्लॉग देखने के बाद पता चला कि सचिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर के साथ साथ उनको जॉन्डिस प्लस उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। लेकिन उसके बाद भी अपने शरीर का ध्यान ना रखते हुए उन्होंने जो मनोकामना मांगी थी उन्होंने उसको भी पूरा किया, और 24 घंटे के अंदर उनकी मम्मी बता रही थी कि आना और जाना किया। बहुत छोटा और शॉर्ट ट्रैवल नहीं था, बहुत लॉन्ग रूट था, बहुत लंबा सफ़र था, और उस लंबे सफ़र को तय किया, और तय करने के बाद वो फाइनली गिव अप कर गए क्योंकि उनकी बॉडी गिव अप कर गई। कल रात में अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा तो कल रात को ना मनीषा का एक शॉट आया था, वो शॉट मैंने देखा था। जब मैंने वो शॉट देखा तो उस शॉट में तकरीबन 350 लाइक्स थे, और उस शॉट में मनीषा कुछ बोल रही थी कि हम आपको सारी बातें बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुई है, साथ ही साथ माफ़ी मांग रही थी कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारा कोई भी व्लॉग एब्सेंट रहा हो। एग्जैक्ट यही वो बोल रही थी, हमारा कोई भी व्लॉग एब्सेंट रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं हम आपको वो वीडियो में बताएंगे, व्लॉग में बताएंगे। ऐसा कह के उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था, और उसके बाद मेरे देखते ही देखते वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो जाता है। वो वीडियो डिलीट करने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ मनीषा ने उस वीडियो में नहीं बोला था। हाँ, ये ज़रूर बोला था कि आप लोगों को हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ।
इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया था, वो शॉर्ट वहाँ से डिलीट हो जाता है। उसके बाद आंटी जी का वीडियो आता है और आंटी जी के वीडियो से हमें सचिन की तबीयत के बारे में पता चलता है कि सचिन हॉस्पिटलाइज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ जब आज मैं इंस्टाग्राम पर देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा और बुरा लगा। ये बात है कि वो गलतियाँ करते हैं और उस गलतियों पे हम लोग तीखे रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम इंसान हैं और किसी के दुख में इंसान दुखी होता है क्योंकि हम उस जगह पे खुद को रख के रिलेट कर सकते हैं। हमारा किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं होती, हम तो ऐसे हैं कि अगर कोई दुखी है तो दुख भी हो जाते हैं, खुश है तो खुश भी हैं, और गलती कर रहे हैं तो वहाँ पर रोक भी देते हैं। यही नेचर होता है रिएक्शन वीडियोज़ का। तो जब आज सुबह मैंने शॉर्ट्स देखे इंस्टाग्राम पर, बेसिकली स्टोरी देखी, वो थी मनीषा के चैनल से, जिसमें उन्होंने एक सांप का एग्जाम्पल दिया था कि सांप की एक स्टोरी उन्होंने वहाँ पे लगाई थी, और उसी के साथ साथ एक भाई बहन का बहुत ब्यूटीफुल गाना लगाया था उन्होंने वहाँ पे, जिसमें एक भाई अपनी बहन के उस फंक्शन को इन्जॉय करना चाहता था, उस पल को जीना चाहता था, उस पल में अपनी बहन को बधाई देना चाहता था, अपनी बहन के साथ नाचना चाहता था, खुश रहना चाहता था। ये था उस पूरी रील में, लेकिन उस पूरी रील में बहन का नाम नहीं था, कोई बधाई नहीं थी, लेकिन यस अगेन उन्होंने इनडायरेक्ट वे में अपने इमोशंस अपनी स्टोरी के माध्यम से दिखा दिए कि वो वहाँ पे जाना चाहते थे, अपना आशीर्वाद देना चाहते थे, उस जगह पे शरीक होना चाहते थे, अपनी बहन को दुल्हन के लिबास में देखना चाहते थे, उस लाल जोड़े में देखना चाहते थे, जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई, जिसका उन्हें अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसीलिए भी, और उनकी तबीयत भी डाउन है। तो उन्होंने सोचा कि क्या होता है जब इंसान इमोशंस के पीक में होता है ना, तो फिर वो जब कैमरा उठाता है तो फिर उसके मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और वक्त हर घाव को मरहम का काम करता है। तो 2-3 दिन का गैप, मतलब वो थोड़ा सा अपना मेंटल पीस में आ जाएंगे, और उसके बाद शायद उन्हें पता होगा कि उन्हें एग्जैक्टली कैमरे के आगे कितना बोलना है और क्या चीज़ बोलनी है। अब यहाँ पे भोपाल सचिन गए, ये बात उनके व्लॉग से हमें कन्फर्म्ड होती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी कन्फर्म्ड करी जा रही हैं कमेंट सेक्शन में, जो कमेंट मैंने सचिन के चैनल पे वीडियोस के नीचे देखे हैं, और ऐसे ही कुछ कमेंट्स मेरी भी वीडियो के नीचे आए हैं और बहुत सारे लोगों के वीडियो के नीचे आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोगों का ये दावा है कि सचिन नेहा से मिले थे, उनको मिलता हुआ कुछ लोगों ने विटनेस किया है, वहाँ पर देखा है, ऐसा बोलना है। मैं कमेंट्स भी यहाँ पे लगा दूंगी और मैं आप लोगों के लिए वो कमेंट पढ़ भी देती हूँ कि बेसिकली इनका कहना है कि घर तक भी गए थे, ये तक बोल रहे हैं, इनका कहना है घर तक भी गए थे, मेरे 2 घर छोड़कर ही घर में खुद बड़ी बड़ी आंखों से देखी हूँ, मेरे घर छोड़ के 2 घर छोड़ के, इनका कोई घर वह है, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखा है, शूट भी नहीं करने दिया, और सर्च कर लेना रोड ललिता नगर कोलर रोड भोपाल, रोड तक का इन्होंने एड्रेस दिया है कि ललिता नगर कोलर रोड भोपाल अमराहा विहार संस्कार उपवन, सब समझ आ जाएगा। इनके लास्ट व्लॉग से पूरी रोड मेरे घर की तरफ की है, ऐसे कैसे नहीं गए थे, बस भगा दिया गया है। तो ये जो है क्लेम कर रही है इस चीज़ का, ये कमेंट करने वाली महिला जो भी है, कि ये वहाँ पे गए थे, मिले भी थे, लेकिन इनको वीडियो शूट नहीं करने दिया। वैसे मैं सोशल मीडिया पे आए हुए किसी भी कमेंट का विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं, लेकिन कल पता है क्या हुआ कि कल ऑफिशियली अनाउंसमेंट से पहले ही कुछ ऐसे कमेंट्स आने लग गए थे जहाँ पे सचिन की तबीयत के बारे में बताना शुरू कर दिया था कमेंट्स वालों ने कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन मैंने इस बात को बिल्कुल भी कवर नहीं किया, क्योंकि आए दिन कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई ऐसी बातें बताता रहता है। लेकिन जब शाम को उनकी मम्मी ने ये बात बताई तो फिर ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा भी नहीं होता कि 100% लोग झूठी बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि 50% लोग झूठ बोलते हैं, तो उसमें से कुछ 10-20% तो हैं जो सच भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी कई सारी बातें बाद में सच्ची साबित हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट था, ये कमेंट इन्होंने सचिन के वीडियो पे किया है, और एक और कमेंट इन्होंने किया है जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मैं बताती हूँ, ये लोग
रुके एमपी नगर में थे, फिर ये लोग नेहा के घर की तरफ भी गए बट किसी को नहीं बताया। वीडियो में लास्ट के व्लॉग में देखी हूँ और इनको मैं देखी थी कि आए हैं बट पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाए बट ये लोग नेहा से मिले हैं 100% गारंटी के साथ लिखकर दे रही हूँ। पूरी रोड लकिता नगर की संस्कार उपवन अमरा विहार सर्च कर लेना और इनका परसों का व्लॉग देख लेना। तो इन्होंने भी ये चीज़ डंके की चोट पे बोल दी है कि मैं 100% सिक्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि ये वहाँ पे आए थे, उनसे मिले थे, पता नहीं कि क्यों वीडियो नहीं बनाने दिया, पता नहीं कि क्यों वीडियो शूट नहीं करने दी, लेकिन ये वहाँ पे जाके मिले थे। तो ये कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए हैं जिनका मैं ये दावा नहीं करती कि ये लोग सच ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस बात में 10% भी सच्चाई है तो छुप के मिलने का मतलब समझ में नहीं आया कि चोरी छुपे क्यों मिलना है। आज तक जब डंके की चोट पे सोशल मीडिया पे इतने साल एक दूसरे को दिखाया है, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुए हैं, गम में शामिल हुए हैं, एक दूसरे के साथ नाचे हैं, गाए हैं, खुशियां मनाई हैं, तो अब छुपके छुपके वाली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि अब वीडियो में क्यों नहीं दिखाना, अब वीडियो में क्यों नहीं लेना। पिछले पूरे साल एक दूसरे के साथ वीडियो में ही निकले हैं, पिछले कई साल एक दूसरे के साथ शॉर्ट्स बनाते हुए ही निकले हैं, और अब वीडियो बनानी नहीं, वीडियो में लेना नहीं, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। क्यों नहीं लेना वीडियो में, क्यों नहीं बनानी वीडियो? सचिन ऐसा क्या कर रहा था? सचिन चाहे किसी भी रिश्ते के लिए ईमानदार हो या ना हो, लेकिन नेहा के रिश्ते के लिए वो ईमानदार तो था। उसके रिश्ते को उन्होंने अपनी बहन पूजा से भी ऊपर रखा था। उनके एक बुलाने पे, उनके एक आंसू पे, उनकी एक तकलीफ़ पे, उनकी एक प्रॉब्लम पे उस इंसान ने हर जगह पे मदद करी है, हर जगह पे, और ये शायद तमाम ऑडियंस ने देखा भी है। तो अब अगर वो वहाँ पे गए तो उनको छुपना क्यों पड़ा? वीडियो क्यों नहीं बना सकते थे? वीडियो क्यों नहीं बना सकते थे? अभी भी नेहा के इंस्टाग्राम पे पूरी फैमिली में जितने भी लोग वहाँ पे हैं, एक दो भाई और हैं नेहा के जो फंक्शन में थे, वो लोग भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी वीडियो डाली, उन्होंने भी नेहा का व्लॉग डाला। और नीतू ने भी अब तो कोलैब्स करने शुरू कर दिए हैं, आपस में इन लोगों के कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गए हैं। सुमित की फैमिली के साथ कोलैब्स हो रहे हैं, नीतू के हो रहे हैं, बाकी जितने भी लोग वहाँ थे सारे कोलैब्स हो रहे हैं, सारी वीडियोज़ आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो जब सारी वीडियोज़ की सबको परमिशन है वो डाल रहे हैं, तो ये परमिशन सिर्फ सचिन से ही क्यों छीनी गई? ऐसा क्या सचिन ने किया? क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले ही तो एक व्लॉग आया था जिस व्लॉग में नेहा का सारा परिवार बैठ के बोल रहा था कि सचिन भैया ने जो किया वो सही किया। ये सारे लोग बैठ के उस दिन बोल रहे थे जो किया वो सही किया, सब लोग उनके लिए खड़े हो रखे थे, और यहाँ पे सचिन नेहा के लिए खड़ा हो रखा था जब इन लोगों को कोई वीडियो वायरल करने की बार बार धमकी आ रही थी, तो उस वीडियो को दिखाते हुए सचिन ने नेहा का पक्ष ऊपर रखा और उनको ये हक दिया कि उनको हमारे परिवार पे पूरा हक है, हमने उनको बड़ी बहन का हक दिया है, जिसमें सचिन की मम्मी ने भी सपोर्ट किया था। तो अभी ये 7-8 दिन पहले की ही तो बात है और उसके बाद ये सगाई होती है, तो ये सारी चीज़ें ना समझ में नहीं आई। या तो ये क्लियर बता दो कि अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। एक तरफ रिश्ता है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ रिश्ता है ही नहीं ये दिख रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कुछ और लेकिन दिख कुछ और रहा है। तो फिर मुझे लगता है कि फिर ऑडियंस को क्यों गुमराह करना, क्यों ऑडियंस की नेगेटिविटी लेना? साफ बता दो कि चीज़ें नहीं हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और अगर है तो भी साफ बता दो, क्योंकि इंसान फिर अपनी ही बातों में ना झूठा साबित हो जाता है। एक तरफा रिश्ता कभी भी नहीं चलता, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से चलते हैं, इज्जत मान सम्मान प्यार दोनों तरफ से होते हैं तभी वो रिश्ता चलता है। और अगर टूट भी जाए तो रिश्ता टूट गया, अपनी ऑडियंस को कन्फ्रंट करो,
नहीं है, अब सब ख़त्म हो गया, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट, फ्यूचर में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। आई नो ऑडियंस समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, लेकिन अगर झूठ के बलबूते पे आप कोई रिश्ता झूठा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो रिश्ते पे फिर सवाल उठते रहेंगे, खड़े होते रहेंगे। एंड आई थिंक इन चीज़ों का दी एंड होना बहुत ज़रूरी है। ये नेहा के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आगे के लिए नेहा से भी किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन फिर कोई नहीं करेगा, और ना ही यहाँ से सचिन से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अगर ये रिश्ता आप लोग यही बोलते रहोगे कि है, तो फिर दोनों से एक्सपेक्टेशन होंगी, और एक्सपेक्टेशन होंगी तो फिर दोनों को नेगेटिविटी भी मिलेगी और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। तो इससे सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करके अपनी ऑडियंस को पोलाइटली कन्फ्रंट कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो और दोनों की ही फैमिली डिस्टर्ब ना हो, दोनों की अपनी ज़िंदगी में अलग अलग ज़िंदगी शुरू हो जाए और कोई भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सोशल मीडिया में कोई ना रखे। आई थिंक ये एक वाइज डिसीजन होगा, जस्ट अ सजेशन, अगर ठीक लगे तो इंप्लीमेंट कर सकते हो, वरना सबकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के हिसाब से आप चल सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं यही बोलूंगी कि ना तो यहां पे सचिन के इमोशंस गलत हैं कहीं से कहीं तक, ना ही यहां पे नेहा का कंसर्न गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, और अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलतियां भी कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।